जबकि होशियारपुर में बारिश की वजह से सड़क पर बाढ़, कई गाड़ियां और बाइक बहा ले गए पानी, लोगों की दुकानों और घरों में भी घुसा। राजस्थान के बीकानेर में बारिश से बिल्डिंग गिरी, कई इलाकों में पानी भरा, जीवन अस्त व्यस्त। आफत की इस बारिश ने जीवन की रफ्तार पर लगा दिया ब्रेक। राजस्थान के करीब एक दर्जन जिलों में जमकर बरसे बादल, आज फिर ईस्ट और वेस्ट राजस्थान में कई जिलों में हो सकती है भारी बारिश। उड़ीसा के रायगढ़ में बाढ़ में फंसी ट्रेन पटरियों पर पानी भरने के बाद बीच में ही रुकी भुवनेश्वर जगदलपुर एक्सप्रेस, यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। एमपी के मंडला में सुरपुर नदी पर पुल ना होने के चलते बच्चे नाव पर सवार होकर रोज जान जोखिम में डालकर जाते हैं स्कूल। स्थानीय सांसद के मुताबिक पुल बनाने का प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। गुजरात के अंकलेश्वर के सिंहपुर गांव में 35 बच्चे रोजाना सिर पर बैग रखकर जान जोखिम में डालकर जाते हैं नदी में। अचानक पानी बढ़ने से नदी पार करने वालों को होती है मुश्किल। राजस्थान के 12 जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी, पूरे उफान पर इलाके की नदियां, कई गांव बने टापू। राजस्थान के भरतपुर के पक्का बाग इलाके में मकान गिरने से एक व्यक्ति की मौत, बारिश की वजह से मकान गिरा। नीमच में स्कूल बस ड्राइवर ने किया बच्चों की जान से खिलवाड़, उफनते पानी के बीच से निकाले बच्चों से भरी बस। यूपी के गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में तेज बारिश बने लोगों के लिए मुसीबत, बहते नालों में गिरी 6 साल की मासूम। एनडीआरएफ, नगर निगम और फायर ब्रिगेड की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के साथ हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट, 25 जुलाई तक झमाझम बारिश हो सकती है। आज और कल मूसलाधार बारिश की संभावना जताई जा रही है। महाराष्ट्र के पुणे में पुल की रेलिंग तोड़कर नदी में गिरा टैंकर, हादसे में 2 लोगों की मौत। यूपी के बस्ती में एक युवक की युवती ने चप्पलों से की पिटाई, युवक पर लड़की को जबरन फोन करने का आरोप, पिटाई के बाद आरोपी युवती से माफी मांगता आया नजर। बालिका वधू सीरियल फेम एक्टर अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला ने बीएमडब्ल्यू से 6 को किया घायल, बेकाबू रफ्तार में 3 गाड़ियों को मारी टक्कर, हादसे में बीएमडब्ल्यू के पर पक्ष। हादसे में एक्टर सिद्धार्थ को भी चोट लगी, मुंबई पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। हालांकि अभी ये साबित नहीं हुआ कि गाड़ी चलाते समय सिद्धार्थ नशे में थे या नहीं, पुलिस मामले की जांच कर चुकी है। कांस्टेबल सलीम शाह के कातिलों को सुरक्षा बलों ने घेरा, कुलगाम में एनकाउंटर जारी, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका का लगवा कर की थी हत्या, जाबाज का आखिरी वीडियो आया सामने। कश्मीर में आतंकियों ने फिर दिखाई हैवानियत, पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद सलीम शाह को अगवा कर की हत्या, हत्या से पहले आखिरी वीडियो बनाया। शहीद सलीम का शव कुलगाम के कैमोगात इलाके से बरामद हुआ, सलीम कुछ दिन की छुट्टियों पर घर आए थे। औरंगजेब जावेद अहमद डार के बाद सलीम आतंकियों का तीसरा शिकार, औरंगजेब के बाद कांस्टेबल सलीम शाह की हत्या से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप, अभी तक किसी आतंकी संगठन ने नहीं ली हत्या की जिम्मेदारी। सिपाही सलीम शाह अपने घर छुट्टियां मनाने के लिए आए थे, कश्मीर में इस तरह की पिछले 37 दिनों में तीसरी वारदात। तमिलनाडु के चेन्नई में एक निर्माणाधीन इमारत की गिरने से 1 की मौत, 16 लोग घायल, 23 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया, घायलों में ज्यादातर मजदूर, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां कुछ की हालत गंभीर। महाराष्ट्र के पुणे के केशव नगर में एक पुरानी इमारत गिरने से हादसे में 5 लोग घायल, 8 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, बिल्डिंग करीब 30 साल पुरानी थी। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में एक और बिल्डिंग के झुकने से लोगों में दहशत, 5 से 6 परिवारों को मौके पर पहुंचकर पुलिस ने बिल्डिंग से बाहर निकाला। ग्रेटर नोएडा की शाहबेरी में झुकी हुई बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, पुलिस ने कई परिवारों को बाहर निकाला। राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज पहली बैठक, बैठक में वर्किंग की कमेटी की टीम ने काम करने वाले नए सदस्यों के लिए और भूमिकाएं तय की जाएंगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीते मंगलवार को किया था कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन, इसमें राहुल ने अनुभवी और युवा नेताओं दोनों को दी है जगह। सीएम योगी आज करेंगे एटॉल फर्रुखाबाद का दौरा, 283 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण, विकास और कानून व्यवस्था की करेंगे जांच, लेंगे समीक्षा। 2019 में हरियाणा में क्लीन स्वीप करेगी बीजेपी, से हिंदुस्तान के एडिटर ब्रिजेश कुमार सिंह से खास बातचीत में सीएम मनोहर लाल ने किया दावा। यूपी के शाहजहांपुर से पीएम का विरोधियों पर प्रहार, विपक्ष के गठबंधन को बताया दलदल, कहा जितना बड़ा दलदल उतना ज्यादा खिलेगा कमल का, कांग्रेस अध्यक्ष को पीएम की कुर्सी के सिवाय कुछ नहीं नजर आता, ना देश ना किसान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शाहजहांपुर की रैली में नाम लिए बगैर राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा पीएम की ख्वाहिश रखने वाले अपने आप को मान चुके हैं पप्पू, सरकार को बताया किसानों का हितैषी।
ये मोदी से गले मिलने पर अखिलेश यादव ने राहुल गांधी पर कसा तंज। शायरी के जरिए दी नसीहत, तपाक से गले मिलोगे तो कोई हाथ भी ना मिलाएगा, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासे से मिला करो। श्रीलंका की देशव्यापी इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एम्बुलेंस सर्विस को दिखाई हरी झंडी, बोले दो बार के श्रीलंका दौरे पर लोगों से मिला भरपूर प्यार। राजस्थान में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को दिया गुरु मंत्र, कहा बस 3 महीने कड़ी मेहनत फिर जीत पक्की। राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने किया ऐलान, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी बीजेपी। शाह ने की से वसुंधरा राजे के कामकाज की तारीफ। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर प्रहार, गरीबी हटाने के नाम पर देश की जनता को बेवकूफ बनाने का लगाया आरोप, कहा उन्हें तो पसंद है अंग्रेज और विदेश, मेरे लिए तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एमपी में फिर गरमाया जाति का मुद्दा, महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भरवाए गए फॉर्म में मांगी गई जाति संबंधी जानकारी, बीजेपी ने कहा समाज को तोड़ने पर आमदा है कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए अजीत जोगी ने खेला किसान कार्ड, प्रदेश भर में खेत चलो अभियान चलाने का फैसला, 23 जुलाई से 29 जुलाई तक खेतों में जाकर किसानों से मिलेंगे पार्टी नेता, समर्थन जुटाने की कोशिश। 3 तलाक और हलाला की लड़ाई लड़ने वाली बरेली की निदा और फरहत के खिलाफ तुगलक की फरमान जारी, चोटी काटने और पत्थर मारने वाले को 11,000 रुपए इनाम देने का ऐलान। बरेली की निदा खान ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट कर हलाला और 3 तलाक पर रोक लगाने की मांग, निदा का ये भी कहना है कि वो जल्द ही पीएम मोदी से मिलने का समय लेगी। बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह के महापाप पर खुलासा, जी मीडिया के पास पीड़ित बच्चों के बयान की कॉपी, 164 के तहत दर्ज बयान में मास्टरमाइंड ब्रजेश और महिला कर्मचारियों का नाम आया सामने, आज होगी बच्चियों की काउंसलिंग। असम में गर्मी की वजह से हाल बेहाल, जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए जू प्रशासन ने किए खास इंतजाम। पोलैंड के एक जोड़े ने की झेलम के किनारे पर दोबारा शादी, कश्मीर की संस्कृति से प्रभावित होकर दोबारा रचाई शादी। बिहार के हाजीपुर में टोल कर्मचारी की हत्या वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद, नाराज टोल कर्मचारियों ने रोड जाम किया, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने शुरू किया। हरियाणा के फतेहाबाद में तंत्र मंत्र के नाम पर 120 महिलाओं से तांत्रिक ने किया रेप, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार, पहले थी जलेबी की दुकान फिर बन गया तांत्रिक। हरियाणा के पंचकुला में 22 साल की महिला से बंधक बनाकर गैंग रेप, नौकरी का झांसा देकर 4 दिनों तक 40 लोगों ने किया रेप, पीड़ित का आरोप, पंचकुला पुलिस ने नहीं की मदद तो चंडीगढ़ में दर्ज कराई FIR, 3 आरोपी गिरफ्त। बिहार के दरभंगा में नाबालिग छात्रा से दरिंदगी, कोल्ड ड्रिंक्स में नशीली दवा मिलाकर किया रेप, बनाया अश्लील वीडियो, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बिहार के सुपौल में 18 मई से लापता 6 साल की बच्ची से रेप, आरोपी ने की रेप के बाद मासूम की हत्या, पुलिस ने दरिंदे को किया गिरफ्तार। झारखंड के गिरिडीह में भी नाबालिग लड़की से गैंग रेप, 5 लड़कों पर आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मामला, आरोपियों की गिरफ्तारी में छापेमारी लगातार जारी। यूपी के बिजनौर में नाबालिग के साथ गैंग रेप, 5 आरोपियों ने वीडियो किया वायरल, पुलिस ने 1 आरोपी को किया गिरफ्तार, 4 फरार। जीएसटी काउंसिल की 28वीं बैठक में कई फैसले, सैनिटरी नैपकिन्स पर खत्म हुआ जीएसटी, 28% वाले स्लैब के कई प्रोडक्ट्स की दरें घटी, कारोबारियों के लिए जीएसटी रिटर्न नियम भी हुआ आसान। जीएसटी रिटर्न भरने वालों को अच्छी खबर, सरकार ने जीएसटी रिटर्न भरने की प्रक्रिया को किया आसान, अब व्यापारियों को 1 पेज का भरना होगा रिटर्न। कल हुई जीएसटी की बैठक में टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन समेत करीब 50 चीजों पर टैक्स कम किया गया, अब इन सामानों पर 28% की जगह 18% टैक्स लगेगा। पेंटिंग के लिए लकड़ी के बॉक्स, आर्टवेयर ग्लास पर टैक्स घटाकर 12% करने का फैसला, बांस से बने सामानों से भी टैक्स 18% से घटाकर 12% किया गया। कल की बैठक में फैसला हुआ कि अब 1,000 रुपए तक के जूतों पर 5% जीएसटी लगेगा, एथेनॉल पर भी टैक्स कम करके 5% किया गया। पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस चौधरी ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पर किया खुलासा, चौधरी ने कहा कि अदालतों पर ISI का पूरा तरह से कब्जा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस चौधरी ने किया खुलासा, कहा ISI ने नवाज शरीफ और उनकी बेटी को चुनाव तक जेल में रखने का बनाया दबाव। अमेरिका में फ्लोरिडा में कछुओं के 1,000 बच्चों को समुद्र में छोड़ा गया, सैकड़ों लोगों ने दी विदाई। We'll be right back.